अस्सलामुअलैकुम, मैं मसद फातिमा। आज पानी पूरी का देखिए मैंने तरीका बताया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है जिस तरह हम बाज़ार में खाते हैं। इसमें मैंने बस अनार डाले हैं मेरी पसंद से, आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे आप लोगों को मेरे रेसिपीज। चलिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ, सिंपल आसान रेसिपी। गोलगप्पे बनाने के लिए देखिए मैं ले रही हूँ सूजी। सूजी देखिए ये मोटी वाली सूजी है, बारीक वाली सूजी नहीं है। और ये हाफ कप है, और ये 2 चम्मच मैदा है, 1/4 चम्मच नमक है, और ये देख सकते हैं फुल गर्म पानी है जिसमें से भाप आ रही है। देखिए मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। हम जो रोटी का आटा भिगाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसे भिगाना है। शायद ठंडा हो चुका हो, ऐसे हाथ से मिला लूँगी। जी हाँ, ये ठंडा हो चुका है। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से इसे मिला रही हूँ। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए इसे रखूँगी ढाप कर। बहुत ज़रूरी है ये रखना, ये बात याद रखिए। ये बहुत अच्छे से मिल गया है। चलिए मैं इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रखूँगी। ये देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी है। अब मैं आपको बता दूँ, आप चाहे तो पूरा एक रोटी बेलकर उसमें छोटे छोटे किसी भी आप कटर से बना सकते हैं। ये देखिए मैं छोटे छोटे बॉल ले रही हूँ और इससे बेल लूँगी मैं। ये देख सकते हैं आप, अब बस मैं बेल लूँगी इसे छोटा सा। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे बेल दिया है। ये देखिए चलिए छोटा वाला रेडी है। अब मैं इसे एक साइड डालते जा रही हूँ, बस मैं इसी तरीके से सारे बेल लूँगी मैं। सकते हैं आप, मैंने इसे बेल दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके लिए मैंने खुश्की का इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने 10 से 12 मिनट तक इसे रखा है, और ये रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। ये देखिए ऊपर का हिस्सा अच्छे से सूख चुका है। ये देखिए नीचे हिस्से में देखें किस तरीके से गीला गीला है। देखिए आप, ये देखें, ये आप बेलते ही सिर्फ तल दें नहीं, इसे रखना बहुत ज़रूरी है। रखने से ये जो गोलगप्पे हैं बहुत ही गोल गोल फूल कर रेडी होंगे। और ये जो गीला वाला हिस्सा है, जिस तरीके से हम उठा रहे हैं इसी तरीके से हमें इसे तेल में डालना है। मैं आपको देख सकते हैं गीला वाला हिस्सा मैं नीचे रख रही हूँ, सूखा वाला हिस्सा देखिए मैं ऊपर रख रही हूँ। बस इसी तरीके से तेल मैं इस तरीके से देखिए, ये देखिए आप कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसे पलटा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं। आप घर बैठे गोलगप्पे भी बना सकते हैं, हर चीज़ हम बना सकते हैं घर बैठे, कोई मुश्किल नहीं है कोई चीज़ बनाना। देखिए कितने अच्छे से तले जा रहे हैं। बस इस तरीके से हमें तेल उठाना है, इसके ऊपर हम डालते जाना है। ये डालने से क्या होगा, ये गोलगप्पे बहुत ही गोल गोल बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। देखिए ये बनकर रेडी है, देखिए कितने अच्छे से गोल बना है, देख सकते हैं आप। चलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से गोल गोल फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए बस इसी तरीके से आपको फ्राई करना है, देख सकते हैं आप। और प्लीज़ गैस ज़्यादा तेल स्पीड मत गर्म कर दीजिए, मीडियम रखिए ताकि ये धीमे पे बहुत अच्छे से ब्राउन हो सके। और देखिए इस तरीके से तेल डालने से ये अच्छे से गोल गोल फूल कर रेडी होते हैं। देखिए ये रेडी है, मैं निकाल लूँगी, सारे मैं इसी तरीके से तल लूँगी। सारे गोलगप्पे बनकर रेडी है। चलिए भाई मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बनकर गोल गोल गोलगप्पे रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं आप, आवाज़ से आप पता लग सकता है कि कितने क्रिस्पी बने हैं, देख सकते हैं आप। बस इसी तरीके से आपको बनाना है गोलगप्पों को, और आपको घर बैठे गोलगप्पे भी बनाकर आप खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से गोल गोल बने हैं, देख सकते हैं आप। बहुत गर्म है ये, देखिए ये देख सकते हैं आप। देखिए इसकी आवाज़, देखिए बस इसी तरीके से बनाइए खाइए। मेरे पास है, मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बटाने, पूरों में डाल दूंगी मैं केक में। ये देखिए मैंने सारों में डाल दिया है बटाने, और मेरे को प्याज और अनार दो चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को अनार और प्याज बहुत पसंद है। इस तरीके से मैं डालूँगी। अगर घर में आप बना लें तो कुछ डिफरेंट बना कर खा ही सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं सारों में ऐड कर दूंगी।
गोलगप्पे में अनार नहीं डालते हैं मेरे को पता है, पर मैं कुछ डिफरेंट बनाना चाह रही हूँ इसी तरह से, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अनार क्योंकि खटमीठ होते हैं इसीलिए मैंने इसमें अनार ऐड किया है, अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिए, ये ऑप्शनल है, ये मेरे को पसंद है इसलिए मैं ऐड कर लिया है इसमें। देखिए ये पानी पूरी भी रेडी है, हम हर चीज़ घर बैठे बनाकर खा सकते हैं। ये देख सकते हैं पानी पूरी रेडी है, आप लोग बनाइए खाइए। और हाँ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।